नमस्ते दोस्तों, हेल्थ फर्स्ट के इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिस्टोन टैबलेट्स और सिरप की, और हम ये जानेंगे कि इसकी खासियतें क्या है, इसके घटक यानी इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, इसका सेवन कैसे किया जाता है और इसके डोसेस कैसे लिए जाते हैं। और हाँ, वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि सिस्टोन के सेवन से क्या कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो पूरी और सही जानकारी के लिए आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखते रहे। तो बात करते हैं कि सिस्टोन क्या है और इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। सिस्टोन हर्बल फार्मास्यूटिकल कंपनी हिमालया द्वारा बेची जाने वाली एक प्रसिद्ध आयुर्वेद दवा है। इसका इस्तेमाल पथरी में यानी यूरिन स्टोन में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सब में किया जाता है। सिस्टोन टैबलेट्स और सिरप इन दोनों फॉर्म में मौजूद होता है। इसका मुख्य उपयोग पथरी यानी यूरिन स्टोन को निकालने के लिए किया जाता है। स्टोन की वजह से होने वाले संक्रमण यानी इन्फेक्शन होने पर सिस्टोन काफी लाभदायक होती है, और नॉर्मल यूरिन इन्फेक्शन यानी यूटीआई में भी ये काफी काम आता है। पेशाब में होने वाले जलन को जो यूटीआई की वजह से होती है, उस जलन का कारण पथरी भी हो सकती है। उस जलन को रोकने में सिस्टोन बहुत हेल्प करती है। जो लोग अपने पथरी यानी स्टोन का ऑपरेशन करवा चुके हैं लेकिन जिनको फिर से पथरी होने का खतरा होता है या फिर जिनको बार बार पथरी की तकलीफ होती है, उनके लिए स्टोन प्रिवेंशन का काम सिस्टोन काफ़ी अच्छे से करता है। यानी इसके इस्तेमाल से बार बार पथरी बनने की टेंडेंसी जो होती है वो कम हो जाती है। मूत्र में क्रिस्टल या छोटे छोटे पत्थरों की उपस्थिति को क्रिस्टल यूरिया कहा जाता है, जो एक बहुत दर्दनाक समस्या हो सकती है और समय पर इलाज ना होने पर गंभीर स्वास्थ्य समस्या का कारण बन सकती है। लेकिन सिस्टोन का उपयोग मूत्र में पत्थरों के संचय को प्राकृतिक रूप से ठीक करने और रोकने के लिए किया जा सकता है। तो दोस्तों, एक सवाल बार बार उठता है कि ये गोली या सिरप कितने बड़े स्टोन को बाहर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, स्टोन को बाहर निकालना हमेशा उसके साइज के साथ साथ पोजिशन पर डिपेंड करता है कि वो एग्जैक्टली किडनी में या फिर ब्लैडर में किस जगह पे मौजूद है। जनरली 7 mm के नीचे के स्टोन दवा से आसानी से निकल जा सकते हैं, लेकिन फिर भी ये पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि कितने mm का स्टोन इससे निकाला जाए। तो अब जानते हैं कि सिस्टोन के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। इसमें दो प्रकार के इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हुए हैं। एक है एक्सट्रैक्ट फॉर्म, जिसमें है शैल पुष्पी, पाषाण भेद, मंजिष्ठा, गोजीवा, नागरमोथा, अपामार्ग और सहदेवी। जो दूसरे चूर्ण फॉर्म में है वह है हजरल यहूद और शिलाजीत। शैल पुष्पी, पाषाण भेद और अपामार्ग ये तीनों एक्सट्रैक्ट फॉर्म में पथरियों को फोड़ने का काम करता है, जिससे बड़ी पथरियां फूट के छोटी होकर बाहर निकाल जा सके। मंजिष्ठा, गोजीवा, नागरमोथा और सहदेवी ये सभी मूत्र संस्था पे काम करने वाली वनस्पतियां हैं, जो बार बार होने वाले यूरिन इन्फेक्शन में काम आती है। शिलाजीत और हजरल यहूद भस्म भी स्टोन को जल्दी बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा इसमें और कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं। जो बाइंडिंग एजेंट है वो है कैल्शियम सॉलिसिलेट, मैग्नीशियम स्टेरेट नाम का जो लुब्रिकेशन इसमें मिलाया गया हुआ है। सिस्टोन सिरप में गोक्षूर, पुनर्वा, नागरमोथा, कुलथी, कुशमूल और जंगली हल्दी ऐसे इंग्रेडिएंट्स मिलाए हुए हैं। यानी सिस्टोन टैबलेट और सिस्टोन सिरप के इंग्रेडिएंट जो है वो काफ़ी अलग अलग है। गोक्षूर और पुनर्वा ये दोनों मूत्रल है, यानी इससे यूरिन जल से बाहर निकलता है। कुलथी से स्टोन को तोड़ा जाता है। कुशमूल और जंगली हल्दी यूरिन इन्फेक्शन को बहुत जल्दी और काफ़ी ठीक कर देती है। सिरप के जो इंग्रेडिएंट है वो ज़्यादातर डायूरेटिक यानी मूत्रल है, और टैबलेट के जो इंग्रेडिएंट्स है वो स्टोन ब्रेक करने वाले हैं। यानी सिरप और टैबलेट्स का काम है थोड़ा अलग अलग है। यानी आप चाहे तो सिस्टोन सिरप और टैबलेट एक साथ ले सकते हैं। अब ये जानते हैं कि सिस्टोन का सेवन कैसे करते हैं, यानी इसका डोसेस क्या है। तो सिस्टोन टैबलेट का सेवन वयस्क आदमी प्रतिदिन 2 tablets दिन में 2 times ले सकता है। साथ ही साथ सिस्टोन सिरप बच्चे 5 mL दिन में 3 times और वयस्क लोग 10 mL दिन में 3 times कुछ खाने के बाद ले सकते हैं। आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि ये दवा आप खाली पेट बिल्कुल ही ना लें। अब जानते हैं कि सिस्टोन के सेवन से क्या कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। सिस्टोन एक हर्बल बेस्ड दवा है,
इसीलिए इसके कोई खास दुष्परिणाम नहीं देखे गए हैं। लेकिन इसे लेने के बाद कुछ लोगों में हल्का सा सिरदर्द और पेट में भारीपन देखा जाता है। यदि आपको दवा लेने के बाद कोई भी एलर्जी की प्रतिक्रिया हो तो आप इसे तुरंत लेना बंद कर दें। यदि आपको सिस्टोन के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, आप चाहे तो वहां से इसे चूज और चेक कर सकते हैं। दोस्तों, हिमालय ने अपने ऑनलाइन पोर्टल पे ये मेंशन किया है कि वो इस दवा को ये मान के ऑनलाइन अवेलेबल करा रहा है कि आपको इसे खरीदने के लिए डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी सिस्टोन टैबलेट्स और सिरप की। मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए जरूर फायदेमंद होगी। आपके इससे जुड़े सवाल मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से इसे जरूर शेयर करें। मैं जल्द ही एक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर से लौटूंगा। तब तक के लिए टेक केयर।